भाई अगर आप बाहर हैं तब भी धुआं सता रहा है, मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ तब भी धुआं मुझे सता रहा है, ये देख सकते हैं आप मेरे राइट हैंड साइड पर। पटाखे अच्छे तो बहुत लगते हैं लेकिन जलने के बाद जो ये काला धुआं छोड़ते हैं ये जहर है। एहसास सभी को है कि पटाखों से निकलने वाला जहर जान लेता है लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जरूर जो जागरूक हैं। देखिए हवा एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है, बहुत सारा चीजें बहुत सारा जल बहुत जल्द जल रहा है। आज तो बहुत था, सुबह तो बहुत था, 5 बजे तो दिखाई भी नहीं दे रहा था, सुबह तो सड़क ही नहीं दिखाई दे रही थी बिल्कुल भी जी। और जो रात बम पटाखे फोड़े थे उसकी वजह से जो उसका सुबह जो धुआं उठ रहा है उसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टू मच पॉल्यूशन, बिल्कुल दिख नहीं रहा, ड्राइविंग करने में इतना मुश्किल है। मैं जनकपुरी से यहाँ वॉक करने के लिए आया हूँ, बिल्कुल जब पार्किंग लाइन की गाड़ी चलाई नहीं आ रही, सामने वाली गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। ये जनवरी फरवरी ठंड में होता था लास्ट टाइम, वो आज बिल्कुल नहीं आ रहा, एकदम से अचानक से। अगर हम रात को हम 2-3-4 बजे के बीच में तो सोए हैं हम, इतना प्रदूषण था और अंदर कमरों के अंदर भी इतनी धुआं गैस सी आई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ एरिया में तो हो रहा है, मेरे ख्याल से जो बड़े लोग है वही क्रैकर्स ज्यादा जलाते हैं, लेकिन बच्चे लोग में अभी स्कूल्स में ज्यादा या उनके बारे में ज्यादा ये हो गया है कि क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता है, कचरा होता है, साउंड पोल्यूशन है। पटाखे फूटेंगे तो पोल्यूशन तो होना ही है, दिस इज गोइंग ऑन फॉर एजेस, पोल्यूशन तो हो नहीं सकता है इतना कम। अभी डे बाय डे बच्चे लोग बढ़ रहे हैं तो पटाखे बढ़ेंगे तो पोल्यूशन होना है। गंदगी अगर हम कर रहे हैं तो हम ही साफ करेंगे, और बच्चों का ही सबसे बड़ा त्यौहार है, त्यौहार बच्चे मुंह तार के बैठते तो अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे के लिए ही सब करना पड़ता है। पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है जी, पोल्यूशन होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या करें, त्यौहार तो मना नहीं है, बस चाइना आइटम से दूर। ऐसा ही फेस्टिवल माना जाता है दिवाली, जिसमें पटाखे चलाना बच्चों का मेन कारण होता है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इंक्लूडिंग मी।